नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। खबर हरदोई से है। प्रदेश में बदायूं की 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान ले प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी के बीच अब हरदोई में भी एक 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के ही 3 लड़कों ने पहले उसे जबरन अगवा किया और फिर उसे इटावा ले गए, जहां उसे 10 दिनों तक रखा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करते रहे। फिर लड़की को कोर्ट में शादी करने को कहा और उसे हरदोई कोर्ट में ले गए, जहां लड़की ने शोर मचा दिया और जोर जोर से अपने साथ हुए अपराधों के बारे में बताने लगी, जिसे देखते ही तीनों आरोपी लड़के मौके से कोर्ट से फरार हो गए। तो वहीं कोर्ट में पुलिस ने नाबालिग लड़की को सुरक्षा देते हुए उसके माता पिता को इसके बारे में सूचना दी, जिसके बाद पीड़िता लड़की के परिजन भी थाने जा पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता लड़की का बयान दर्ज कर लड़की का जिला महिला चिकित्सालय में मेडिकल करवाया, जिसके बाद उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है। पीड़िता लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। इन तीनों अपराधी लड़कों के नाम नितेश, सर्वेश और गोलू हैं, जिन्होंने 10 दिनों तक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और अब कानून से बचने के लिए फरार हो गए हैं। लेकिन कब तक फरार रहेंगे, क्योंकि अब पुलिस को इन तीनों अपराधियों की तलाश है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।